गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्या सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम, ठीक है, जो सूक्ष्म वस्तु है उसका प्रतिबिंब देखते हैं, यानी उस वस्तु को हम बड़ा बनाकर देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, स्पष्ट देखते हैं। जैसे सूक्ष्म वस्तु है, उपकरण से हम सूक्ष्म वस्तु को देखेंगे, उपकरण में क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा उसका। और वो जो सूक्ष्म वस्तु है वो हमें कैसी दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, सूक्ष्मदर्शी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है सूक्ष्मदर्शी, क्या होता है वह प्रकाशीय उपकरण। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी क्या है, एक उपकरण है, वह प्रकाशीय उपकरण जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, जो वस्तु का क्या बना देता है, बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, क्या कहलाता है हमारे पास, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। और वस्तुएं हम फिर उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं सूक्ष्म वस्तुओं को। ये जो सूक्ष्मदर्शी जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के पढ़ेंगे हम, दो प्रकार के। एक तो होता है हमारे पास क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी। एक तो हम क्या पढ़ेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे। एक तो हम क्या पढ़ेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी। देखो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, पहले हम क्या पढ़ते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, और सरल सूक्ष्मदर्शी में हम इसका क्या देख लेते हैं, हम सिद्धांत देख लेते हैं जिसके आधार पर हम वो बना रहे हैं, और वो क्या करेगा, कार्य करेगा, सूक्ष्म वस्तु को बड़ा बनाकर दिखाएगा हमारे पास। सरल सूक्ष्मदर्शी को हम कैसे समझा सकते हैं, यह है उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अगर हम सरल सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं तो सरल सूक्ष्मदर्शी की जब हम बनाएंगे तो उसमें हम क्या लेंगे, एक उत्तल लेंस लेते हैं। यह है उत्तल लेंस होता है जिसके प्रकाशिक केंद्र, जिसके प्रकाशिक केंद्र व, एक तो कौन सा बिंदु लिया हमने, प्रकाशिक केंद्र, और एक ले लेते हैं हम फोकस। यह उत्तल लेंस होता है जिसके प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य वस्तु रखने पर, के मध्य वस्तु रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का क्या, प्रतिबिंब, आभासी, आभासी सीधा, आभासी, आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधा व वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से
क्या बनता है? बड़ा बनता है। ठीक है, अब देखो ये जो वस्तु से हमारे पास बड़ा बनता है, तभी हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक उत्तल लेंस ले लेते हैं। ये हमने क्या ले लिया, उत्तल लेंस ले लिया। ठीक है, और ये कौन सा बिंदु होता है, हम जानते हैं 2F1 वक्रता केंद्र बिंदु होते हैं लेंस में, एक तो इधर होता है और दूसरा कहाँ होता है, इस साइड होता है, क्या 2F2। बीच में कौन सा बिंदु होता है, प्रकाशित केंद्र बिंदु होता है। इन दोनों के बीच में कौन सा बिंदु होता है, हमारे पास फोकस बिंदु F1 होता है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, F2 होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी बना रहे ताकि वस्तु को बड़ा करके स्पष्ट देख सके, है ना। यह है उत्तल लेंस होता है, देखो उत्तल लेंस हो गया, जिसके प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य वस्तु रखने पर, किस किस के बीच में रखेंगे, प्रकाशी केंद्र व फोकस। प्रकाशी केंद्र क्या है, एरिया। फोकस क्या है, एरिया। मान लो ये हमारे पास क्या है, सूक्ष्म वस्तु है एक। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक सूक्ष्म वस्तु है जिसका नाम मैं दे देता हूं क्या, ए और बी। क्लियर है ये वाली बात, ये क्या है हमारे पास, सूक्ष्म प्रतिबिंब। अब देखो इसका बड़ा सूक्ष्म वस्तु है, अब इसका बड़ा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, मैंने आपको नियम पढ़ाए थे, दो नियम लेते हैं हम इसके, है ना। क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण उच्चतम बिंदु से लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से निकलने के पश्चात किससे जाती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है, चली जाएगी सीधी बिल्कुल। और दूसरा, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण कैसी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। क्या ये मिल रही है, नहीं मिल रही। ऐसी स्थिति में हम किरणों को कहाँ बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। और ये हमने किरणों को कहाँ बढ़ाया, ये देखो कहाँ बढ़ाया, पीछे की ओर बढ़ाया। जहां मिलेंगी वहां क्या बनेगा, हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा। ये स्थिति है प्रतिबिंब बनाने की एक, और इसी का उपयोग ही हम क्या करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी। और ये प्रतिबिंब इसको कहाँ से मिला देना है हमें, अक्ष से, और इसका नाम धर देना है। ये तो क्या है, ए और बी, और इसका प्रतिबिंब हम मान लेते हैं क्या, ए डैश, और ये क्या, बी डैश। अब आप खुद देखो यहाँ पर कि वस्तु तो हमारे पास सूक्ष्म है एक तरीके से, और ये कैसा कर दिया इसने, बड़ा बना दिया। सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब इसने क्या बना दिया, बड़ा बना दिया हमारे पास। ठीक है, सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए तो हम किसका उपयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का। मैंने लिखा था जिसके प्रकाशित केंद्र में फोकस के मध्य क्या रखते हैं, वस्तु रखते हैं, रख दी मैंने। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, देखो आभासी। जब किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। आभासी देखो, ये वस्तु भी यहीं रखी है और प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर बन रहा है, देखो मुख्य अक्ष से तो सीधा बन रहा है, सीधी दिखाई देगी। अगर कोई मोमबत्ती रखी हुई है तो मोमबत्ती कैसी दिखाई देगी हमारे पास, सीधी दिखाई देगी, और वस्तु से तो बड़ा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा तो बनेगा ही बनेगा। क्लियर है ये वाली बात। अब देखो इसका जो, ये जो हमारे पास सरल सूक्ष्मदर्शी है ना, इसकी हम क्या निकालते हैं, आवर्धन क्षमता निकालते हैं। मैंने आवर्धन के बारे में आपको बताया था कि कितने गुना कर देता है वो, ये जो हमारे पास जो सूक्ष्म वस्तु है उसको कितने गुना करके दिखाता है ये, है ना, वो आवर्धन होता है, तो हम इसकी आवर्धन क्षमता निकालते हैं। तो देखो सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन आवर्धन क्षमता जो होती है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं
एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कैसे निकालते हैं? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पार बना कोण, ये फॉर्मूला होता है निकालने का। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पार बना कोण अपॉन वस्तु द्वारा नेत्र पार बना कौन, ठीक है। प्रतिबिंब द्वारा यहां से हम क्या कर रहे होते हैं, ऐसे जब ये किरण यहां से देख रहे होंगे ना, ऐसे निकल के आ रही है, तो ये हमें ये वस्तु ऐसी बड़ी दिखाई देगी। ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर नेत्रिका हो गई, ठीक है। ऐसे किरणें आएंगी यहां से हम देखेंगे तो ये यहां से नजर आएगी और प्रतिबिंब हमें कैसा दिखाई देता है, बड़ा। तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कौन अपॉन वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कौन, और प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण को हम किससे द्वारा व्यक्त करते हैं, बीटा से। अपॉन वस्तु द्वारा नेत्र पर बने कोण को हम किससे व्यक्त करते हैं, अल्फा से। तो एम बराबर से क्या आता है हमारे पास, बीटा अपॉन अल्फा आता है। एम बराबर क्या आता है, बीटा अपॉन अल्फा। तो हमें बस क्या करना है, बीटा अपॉन अल्फा ही निकालना है, ठीक है। एम बराबर से क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। तो हमें किसका मान निकालना है, बीटा का और किसका, अल्फा का। तो देखो कैसे निकालते हैं, ये रेखाएं बिल्कुल क्या होती है, सीधी होती है, ये बात ध्यान रखना। स्केल से खींचोगे बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी, है ना। अब ये प्रतिबिंब है, दिखाई दे रहा है क्या, ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश क्या है आपका, इमेज है, प्रतिबिंब है। और ए बी क्या है आपके पास, वस्तु है। ए बी क्या है, वस्तु है। तो ये ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब है, ये देखो यहाँ कौन बना रहा है, लेंस, नेत्र से यहां से देख रहे हैं तो लेंस पर बना कौन देखेंगे हम, लेंस में से तो देख रहे हैं। तो देखो ये बिल्कुल सीधी रेखा होती है, तो ये त्रिभुज बन रहा है ये, तो ये ए डैश बी डैश यहाँ कौन बनाएगा, ये देखो ये कौन बना रहा है, ये वाला। और इसका नाम हम दे देते हैं क्या, बीटा। क्या नाम दे दिया हमने, बीटा नाम दे दिया। तो अब देखो ये अगर कौन बीटा है, तो ये छोटा त्रिभुज दिख रहा है ए बी, और मैं इसका नाम धर देता हूं बिंदु ओ, ए बी ओ। तो हम कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी ओ, और मैं इसमें किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, टेन बीटा की। क्या आएगी टेन बीटा की वैल्यू, टेन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, लंब बटे आधार, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है ओ बी, ए बी ओ में ए बी बटे क्या ओ बी, ए बी बटे क्या ओ बी आएगा, निकल जाएगा टेन बीटा का मान। इसी तरीके से हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक अल्फा देखना पड़ेगा। देखो अल्फा के लिए क्या करेंगे, ये वस्तु है ना, ये वस्तु दिखाई दे रही है वस्तु, इससे हम एक रेखा खींच लेते हैं। देखो ये बिल्कुल सीधी, ये ए है ना, ये ए, इससे बिल्कुल ऐसे समांतर ये हमने क्या खींच ली, रेखा, ठीक है। और इसका नाम दे दिया हमने क्या, ए वन। अब ये देखो ए वन जो है ना, ए वन किसकी हाइट की बराबर की है, ये वस्तु की हाइट की बराबर की है। तो हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखो ये वाली एक तरीके से, और ये जो कोण बन रहा है ना, ये वस्तु द्वारा ही बन रहा है एक तरीके से, ये वस्तु की तरह काम कर रहा है, और इसे हम दे देते हैं क्या, अल्फा। ये कोण वस्तु द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण कितना, अल्फा है। तो कौन से त्रिभुज से, ए वन बी डैश ओ से, त्रिभुज ए वन बी डैश ओ से, ये त्रिभुज ए वन बी डैश ओ से किसका मान निकाल लो, टेन अल्फा का। टेन अल्फा का मान निकाल लेते हैं, तो टेन अल्फा क्या आएगा, ए वन बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ए वन बी डैश अपॉन ओ बी डैश। आई बात समझ में या नहीं आई, तो हमने किसका मान निकाल लिया, टेन बीटा की वैल्यू निकाल ली, और टेन
अल्फा की वैल्यू निकालनी, और हमें निकालनी क्या है, इसकी आवर्धन क्षमता निकालनी है। ठीक है, अब इक्वेशन वन में हम इसकी क्या रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं, लेकिन इक्वेशन वन देखो बीटा और अल्फा है, और ये टेन बीटा और टेन अल्फा है। ये जो हम फॉर्मूले निकालते हैं ना, वो बहुत ही अल्प कोण के लिए निकालते हैं, ऐसा मानते हैं कि ये जो कोण बन रहे हैं ना यहाँ पर, वो बहुत कम होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या कि कोण क्या हो, अल्प हो, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, और टेन बीटा लगभग किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर होगा। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी बटे ओ बी, और अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा ए वन बी डैश बटे क्या, ओ बी डैश। इक्वेशन वन से समीकरण किससे, एक से, और समीकरण एक से क्या आएगा हमारे पास, एम इज इक्वल टू क्या, बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा की वैल्यू कितनी है, ए बी बटे ओ बी, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, ए वन बी डैश बटे क्या, ओ बी डैश। तो एम इज इक्वल टू, ठीक है, एम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए बी है, ए बी है ना, ओ बी डैश कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ओ बी डैश ऊपर, ओ बी कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और ए वन क्या आ जाएगा, बी डैश आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, इतना जब हम कर लेते हैं तो अब इसकी तो हमें आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, ये हमने पहले ही लिख लिया ना, ये हमने पहले ही क्या कर लिया, अब देखो जब हम इतना कर लेते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, एम की। मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, क्या ये है, ए बी बटे क्या ए वन बी डैश इंटू क्या ओ बी डैश बटे ओ बी, आ गई या नहीं आई। अब आप देखो ए वन बी डैश, ठीक है, और ए बी, ये देखो एक ही रेखा पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये देखो समांतर आ रही है नहीं आ रही, ये दूरी और ये दूरी बराबर, ए वन बी डैश किसके बराबर है, ए बी के। ए वन बी डैश किसके बराबर है, ए बी के। तो एम बराबर ए बी, नीचे भी क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, ए बी इंटू ओ बी डैश बटे ओ बी, ए बी से ए बी कैंसिल, तो एम बराबर बन गया हमारे पास ओ बी डैश अपॉन क्या, ओ बी बन गया। ठीक है, ओ बी डैश बटे क्या बन जाएगा हमारे पास, ओ बी बन जाएगा, है ना। अब देखो आगे, ठीक है, आवर्धन क्षमता क्या निकल के आएगी, अब आप समझना। ये देखो वस्तु कहाँ है, वास्तव में यहाँ है, वास्तव की बात कर रहा हूं, वस्तु कहाँ है, यहाँ है, ये और ये। वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, यू से, जिसे हम क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी बोलते हैं। क्लियर है, और ये क्या है, प्रतिबिंब है, वास्तव में यहाँ प्रतिबिंब की किससे, प्रकाशिक केंद्र से दूरी को हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ हम व्यक्त करते हैं किससे, कैपिटल डी से। ठीक है, तो अब आप चेक करो ओ बी डैश क्या है। अब देखो प्रकाश, वस्तु यहां रखी है तो प्रकाश कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, लेंस की ओर, है ना। अब चेक करो आप, सबसे पहले ओ बी डैश चेक करो, ओ बी डैश, ओ बी डैश क्या है, वी या डी है, डी है ना। प्रकाश कैसे जा रहा है, इधर जा रहा है, और आप नापने कैसे आ रहे हो, दूरी को, मैंने चिन्ह परिपाटी पढ़ाता है, सभी दूरी कहां से नापते हैं हम, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये ओ से कहां आएंगे हम, यहां आएंगे बी डैश पर,
तो हम तो ऐसे आ रहे हैं जबकि प्रकाश ऐसे जा रहा है, तो कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो एम इज इक्वल टू ओ बी डैश की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी? माइनस डी आएगी। ओ बी देखो, ओ बी क्या है? ओ बी वस्तु की प्रकाशीय केंद्र से दूरी यू। अब प्रकाश तो इधर जा रहा है और ओ से बी आप इधर आओगे, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र से। लेंस के लिए भी चिन्ह परिपाटी सेम है और दर्पण के लिए भी चिन्ह परिपाटी सेम है। दर्पण में ध्रुव से नापते हैं और लेंस में प्रकाशीय केंद्र से नापते हैं ना। ये आएगा माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी अपॉन यू। ये हमारे पास क्या बन जाती है? ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाती है? आवर्धन क्षमता बन जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो किसके बराबर आती है? एम इज इक्वल टू डी अपॉन यू के क्या आती है? बराबर आती है। ये हमने क्या कर लिया? प्रूव कर लिया। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है वो एम बराबर से डी अपॉन यू के क्या आती है? बराबर आती है। इसमें हम दो स्थिति पढ़ते हैं। पहली क्या? जब प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब डी दूरी पर बने, ठीक है, जब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बने? डी दूरी पर। मतलब जैसे ये प्रतिबिंब बन रहा है डी दूरी पर बन रहा है, ज्यादा दूर नहीं बन रहा है, ज्यादा दूर नहीं बन रहा, कुछ दूरी पर बन रहा है, डी दूरी। हम बोल सकते हैं एक तरीके से स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु, जो कि हमारे पास कितना होता है? 25 सेंटीमीटर के आसपास बने। स्वस्थ नेत्र का क्या? निकट बिंदु, जो कि हम क्या कह रहे हैं? 25 सेंटीमीटर के क्या बने? आसपास बने, है ना? देखो, इस स्थिति में हम क्या करते हैं? लेंस सूत्र हमने पढ़ा था। लेंस जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। यहाँ प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक आई थी, अभी हमने चित्र में देखी थी, और वस्तु दूरी भी। अब देखो, v इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस डी। प्रतिबिंब दूरी तो होती है जिसे मैंने डी के बराबर माना है, और कैसे आती है? माइनस में आती है। ठीक है, जब डी दूरी पर बने, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर? डी। और अभी अभी मैंने बताया था कि वस्तु इधर रखी थी और प्रतिबिंब इधर था, प्रतिबिंब भी इधर था, वस्तु भी इधर रखी थी, तो प्रकाश इस दिशा में जा रहा था, तो हम कौन सी दिशा में आ रहे थे? विपरीत। तो डी कैसा मिल रहा था? नेगेटिव। और यू क्या होती है? वस्तु दूरी, जो कि किसके बराबर आती है? माइनस यू में। चित्र के अनुसार देख सकते हैं हम इनको, इसमें रखते हैं तो देखो क्या आएगा। 1/f इज इक्वल टू 1/ माइनस के डी और माइनस 1/ माइनस यू। 1/f बराबर माइनस 1/d प्लस क्या? 1/u बन जाएगा। इसको हम क्या कर देते हैं? d से गुना कर देते हैं। d से क्या करने पर? गुना करने पर। तो ये बनेगा d/f इज इक्वल टू माइनस, ऊपर d से क्या कर रहा हूँ देखो, तीनों में गुना करना है d का, प्लस यू नीचे, ऊपर डी से गुना, तीनों में ऊपर डी से क्या कर दिया? गुना कर दिया। तो ये तो बनेगा हमारे पास d/f, डी से डी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 1 प्लस क्या? d/u बच जाएगा। इसके बाद, इतना लिखने के बाद, अब आप देखो d/u को क्या लिख सकते हैं? d/u को लिख सकते हैं m, है ना? तो इसको लिख सकते हैं हम d/ क्या? f इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस क्या? m। तो m की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस 1 को बराबर से पहले लेकर जाना पड़ेगा, तो 1 प्लस d/ क्या बनेगा? f बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल गई? जब प्रतिबिंब d दूरी पर बने तो हम ये जो आवर्धन क्षमता है ये d और f में आ गया, जबकि ये किस में था? d और u में था। इसमें था, डी और यू में था।
एक स्थिति है हमारे पास जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। और अनंत क्या होता है हमारे पास, पिछली क्लास में पढ़ चुके हम, स्वस्थ नेत्र का क्या दूर बिंदु। तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगी इस स्थिति में, वी की वैल्यू होगी इन्फिनिटिव, कितनी होगी अनंत होगी और विपरीत दिशा में होगी। और यू की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, माइनस यू के बराबर होगी, है ना। अब आप क्या करो, इसमें वैल्यू रख दो वही, क्योंकि 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव माइनस 1/-u, 1/∞ की वैल्यू होती है 0। 1/अनंत कितना होता है, 0 होता है। तो क्या बनेगा, 1/f इज इक्वल टू माइनस माइनस, ये तो हो गया 0, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस 1/ क्या u। इसमें भी हम क्या करते हैं, d से गुना कर देते हैं, d से गुना करने पर ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास d/f इज इक्वल टू क्या, d/u। और d/u क्या है, m है, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, d/f आ जाएगा। ये कब के लिए है, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, आवर्धन क्षमता निकाल लेते हैं। ये कौन सा हमारे पास सूक्ष्मदर्शी था, सरल सूक्ष्मदर्शी।